स्टूडेंट्स, दिस इज ए भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में चैप्टर 4 भौतिक गणित के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फलन के महत्तम तथा न्यूनतम मानों की दिशाएँ। अब अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपको वहाँ आगे चल के पढ़ने मिलेगा फाइनल में, 12th में। तो वहाँ एक उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा है डिफरेंशियल के टर्म में मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यक्स के फलन एफएक्स का मान कब महत्तम अथवा कब न्यूनतम होगा। इसके लिए सामान्य नियम यह है कि इसका प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए तथा उसे शून्य के बराबर रख दीजिए। अर्थात कि जब हम कोई फंक्शन दिया जाएगा तो उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से एक अवकलन करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम जीरो के इक्वलेंट कर देंगे। जीरो के इक्वलेंट करने से हमें क्या मिलेगा, वहाँ उसकी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब वहाँ पर वही इक्वलेंट करने में एक्स की वैल्यू मिलने का मतलब क्या हुआ, इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब दिए हुए फलन का द्वितीय अवकल गुणांक अर्थात d2fx/dx² स्क्वायर ज्ञात कीजिए। मतलब जब जीरो की इक्वलेंट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब उसी जो फंक्शन था उसका हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब उसका द्वितीय अवकल गुणांक निकालेंगे और वो एक्स की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। वो एक्स की वैल्यू रखने पर अगर मान आपका धनात्मक आता है तब आपका न्यूनतम होगा और ऋणात्मक आता है तो अधिकतम होगा। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, इसमें ज्ञात किए गए मूल रखने पर यदि फल का मतलब माल ऋणात्मक हो तो एफ एक्स का मान उस मूल के लिए अधिकतम होगा और यदि फल धनात्मक हो तो एफ एक्स का मान उस मूल के लिए न्यूनतम होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया और ये कुछ भी हो सकता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² + 12x - 14। अब इसके लिए सिर्फ सिंपल तरीका है कि पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसको हम जीरो के इक्वलेंट कर देंगे फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर उसी चीज़ को हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर देंगे वो एक्स की वैल्यू एक जो अगर एक बार आई है या दो वैल्यू आई हैं तो उसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में रखेंगे। और जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा, अगर निगेटिव आई हुई तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही है यक्स के किस मान के लिए एफ एक्स का मान न्यूनतम अथवा अधिकतम होगा। तो इसको कह रहा है सर्वप्रथम फलन का प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसे शून्य के बराबर रखते हैं अर्थात d/dx of f(x). तो d/dx, तो इसको एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया तो इसका क्या हो जाएगा 3x², उसका हो जाएगा 3×2 = 6x + 12। अब अधिकतम अथवा न्यूनतम मान हेतु इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स हो गया। तो वही अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर कर देंगे। अब ये 3 से देखो कैंसिल हो रहा है, 3×2 = 6, 3×4 = ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका फैक्टर नहीं बन रहा है तो इसका हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका हम सिद्धाचार्य विधि से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये क्या हो गया, सिद्धाचार विधि क्या होती है, एक्स इज इक्वलन टू -b + -b² - 4ac/2 है। तो ए इज इक्वलन टू 1 है, बी इज इक्वलन टू -2 है और सी इज इक्वलन टू 4 है। तो क्या हो जाएगा, -b तो -+ हो जाएगा, b² - 4, ए आपका 1 है, सी है। तो सॉल्व करने के बाद ऐसी कुछ स्थिति आई। अब ये इमेजिनरी टर्म है, यहाँ पे कह रहा है जो कि मान अधिकल्पित है। अब अगर ये मान पूरा कुछ भी आ जाता, जस्ट सपोज दैट ये मान कुछ भी आ जाता, मतलब x का मान आ जाता आपका 2 आता या 3 आता या, तो हम क्या करते, उस चीज़ का जो अभी एफ एक्स आया है उसका सेकेंड ऑर्डर में डिफ्रेंसिएसन करते, ठीक है ना, उसका द्वितीय अवकल गुणांक करते, याद करते। अब अगर माना x की वैल्यू 4 आ गई या 2 आ गई तो उसी पे उसको मान रखते, माना 4 आ गई तो d2y/dx² की जो वैल्यू आई थी उस पे x इज इक्वल टू 4 रख देते। 4 रखने के बाद अगर उसका मान धनात्मक आता तो वहाँ क्या लिखते, मूल यक्स बराबर 4 पर एफ एक्स का मान न्यूनतम आया। अब अगर यक्स बराबर 2 आया था तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर वही मान रखते और वो मान रखने के बाद यदि वो ऋणात्मक आता तो कहते कि मूल हमारा क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी
धनात्मक आती है, ऋणात्मक आती है। और इट डज, अब अगर इसकी न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है तो इसी को, जो अधिकतम या न्यूनतम की वैल्यू आई है, इस मान को हम फलन के मान पर रखेंगे। फलन का मान जो भी आएगा वो न्यूनतम या अधिकतम होगा। वहाँ अधिकतम या ऋणात्मक है या धनात्मक है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मान आएगा वही न्यूनतम व धनात्मक, न्यूनतम व अधिकतम है। न्यूनतम की वैल्यू हम न्यूनतम फलन में रखेंगे तो न्यूनतम की वैल्यू आ जाएगी, और अधिकतम की वैल्यू अगर फलन में रखेंगे तो जो मान आएगा चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक होगा वो अधिकतम की ही वैल्यू होगी।